त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए बुधवार को विकासखंड चरगावा पर पोलिंग पार्टियों का चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर रवाना किया गया, जिसके संबंध में चरगावा ब्लॉक के रिटर्निंग ऑफिसर आर के खरे ने बताया कि चुनाव को संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टी को मत पेटियां, स्टेशनरी तथा कोरोना से बचाव के लिए कोविड किट दिया गया है। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टी चुनाव सामग्री लेने के बाद अपने बूथ के लिए रवाना हो जाएगी तथा कोविड के नियमों का पालन करते हुए 15 अप्रैल को चुनाव को संपन्न कराएगी। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टी के बूथ पर पहुंचने के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा 15 अप्रैल को उनका मानदेय दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टी 15 अप्रैल को मतदान कराने के बाद मतपेटिका को स्ट्रांग रूम में जमा करके अपने गंतव्य को रवाना हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विकास खंड चरगावा के आरओ आर के खरे ने कहा, आरके करे हारो चरगावा चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कार्मिकों को चुनाव सामग्री में शेयर किया जा रहा, क्या क्या दिया जा रहा है? चुनाव सामग्री में उनके मत पत्रिका जो है वो दी जा रही है, मतपेटी जो है वो दी जाएगी, मतपेटी वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, स्टेशनरी का सामान जो है वो दिया जा रहा है, कोविड से निपटने के लिए एक किट भी जो है वो भी जो है दी जा रही है स्पेशली, और ये सारे सामान वो चेकिंग कर रहे हैं, और चेक करने के पश्चात जब पार्टियां पूर्ण हो जाएंगी तो अपने अपने गंतव्य बूथों पे वो चले जाएंगे। सर ये कब तक फ्री हो जाएगा? पार्टियां आ रही हैं, ये फ्री होने में तो अभी समय लगेगा। पार्टियां जैसे जैसे आ रही हैं, कुछ में प्रॉब्लम है, कुछ पार्टियां के कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, किसी में पीटासीन नहीं है, किसी में P1 नहीं है, किसी में P2 नहीं है, और कई पूरे हैं, तो जो पूरे वाले हैं उनको हम मूव करा रहे हैं, जो जो अभी नहीं आ पाए हैं
या रास्ते में हैं या फिर किसी के साथ प्रॉब्लम है, उनके रिजर्व की ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी और पार्टी पूर्ण करा के पार्टी मूव कराई जाएगी। सर, कार्मिकों को बूथ पर जाकर किन किन नियमों का पालन करना होगा? वो सारे कार्मिकों को बताया जा चुका है कोविड के का अनुपालन करते हुए, उनको वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें जो है दूसरे दिन के चुनाव शुरुआत करने के पहले जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा उनको करना है। उसके साथ साथ उनको जो मानदेय वगैरह है वो भी वितरित कर दिया जाएगा सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा। पार्टियाँ मूव होंगी, सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो भी इंश्योर करेंगे कि पार्टियाँ जो है वहाँ पहुँच गई हैं और उनको जो है उनका मानदेय भी उस समय दिया जाएगा। और पार्टियाँ जो है अपनी सुबह की तैयारी के लिए वो अभी रात में अपना तैयारी अभी से कर लेती हैं।